हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर ऑन साइट ड्यूरिंग एनी स्लैब कास्टिंग। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी, जब भी हमारी कोई भी स्लैब कास्ट हो रही है तो उसको स्लैब को हमको मेज़र करना है। उसका मेज़रमेंट करके हमको चेक करना है भी उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितनी डस्ट लगेगी, कितना एग्रीगेट लगेगा। तो हमको वो ऑन साइट हमको वो चीज़ अवेलेबल करानी है, हमको मटीरियल विद पानी के टैंकर के साथ। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी हम मेट्रो होती है, मेट्रो ट्रॉली जिससे हम वो कंक्रीट का मसाला घेरते हैं, तो क्या होता है जब भी वो ट्रॉली जिस पे चलते हैं उसका पात होते हैं, तो उसमें लेबर क्या करते हैं हमारे सरिया को बैंड करके हमारा वो अपनी पात का जो उसकी रेलिंग होती है उसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि भाई हमारी सरिया भी ना बैंड होए और उनकी ट्रॉली का जो पात वो होते हैं नीचे रेलिंग वो प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाए। थर्ड, जब भी हमारी कास्ट शुरू होती है तो हमको एट टाइम प्लम्बर और इलेक्ट्रिसिटी को हमको मौजूद रखना है। कभी कभी क्या होता है प्लम्बर की आइटम की टूट फूट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है ड्यूरिंग कास्टिंग, तो हमारा प्लम्बर उसको ठीक कर सकता है उस पॉइंट को, कुछ भी टूट फूट हो। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी में जब भी कोई भी इधर उधर फैन बॉक्स हो जाता है या पाइप निकल जाता है, पाइप टूट जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पर उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं चेंज होगा तो बाद में दिक्कत होगी। फोर्थ पॉइंट, कास्टिंग लेबर को जब भी कोई भी मिक्सचर पे खड़ा होता है लेबर, उसको हमको रेशियो बताना है भाई क्या क्या रेशियो डालेगा, कितना सीमेंट डालेगा, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, तो हमको वो बताना है। और बीच बीच पे हमको उसको चेक भी करते रहना है। क्या होता है कभी कभी वो कम ज़्यादा भी घेरने लगते हैं, तो हमको वो चेक करना है, उनको बताना है भाई इतना घेरना है इतना नहीं। फिफ्थ पॉइंट, जब भी कास्टिंग शुरू होए तो हमको एक शटरिंग वाला भी जिसने शटरिंग किया उसको भी अवेलेबल रखना है। क्या होता है कभी कभी शटरिंग जब हम उसमें कंक्रीट का मसाला घेरते हैं तो उसमें से कहीं पे भी वॉइड रहते हैं, कभी स्पेस रहता है तो उसमें से हमारा कंक्रीट का मसाला गिरता रहता है, तो उसको रोकने के लिए हमको शटरिंग वाले को बुला के रखना है ताकि वो उसको सही कर सके, हमारा कंक्रीट का मसाला है वो वेस्ट ना हो। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो स्क्रीन पर दिख रहे चैनल लोगों पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।